वो भी बहुत अच्छी थी, और जिस तरीके से मतलब मूवी को दर्शाया गया है बहुत अच्छे डायरेक्ट किया गया है, एक्टिंग भी अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात है कि मूवी में जो है ना रियलिटी दिखाई गई है, जो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है भावुक करती है, एक समय आता है कि भाई उसमें जो है ना हम उत्साहित भी होते हैं कुछ ऐसे मोमेंट को देखकर। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे। हमारी सुलझाने से सुलझाएगी ना, जब हमारा राज्य सरकार भी तो ऐसे कैसे। ये रियल लाइफ पर बनी हुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के, तो कहीं ना कहीं ऐसे समाज में आज जो लेफ्टिस्ट लोगों की आज कहीं ना कहीं भावना है देश को तोड़ने की, चाहे जेएनयू में नारे लगाना हो, तो कहीं ना कहीं एक विंग जो काम कर रहा है देश के विरोध उन लोगों के लिए दिखाने के लिए, और जिस तरीके से 36 टुकड़ों में तोड़ने की काटने की बात उसमें दिखाई गई है, और ये रियलिटी है, रियलिटी है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है, और वही सारे मूवी में बहुत अच्छा से इन्होंने दिखाया है, और ये हर युवाओं को हर एक वर्ग को आकर इस मूवी को देखना चाहिए, और इसे प्रभावित होने की जरूरत है कि आखिर जो देश विरोधी तत्व है उनके खिलाफ कैसे हमें बोलना है, उनको कैसे जवाब देना है। इस मूवी में बहुत बढ़िया से दर्शक फिल्म में मुझे लगता है कि दाद देनी पड़ेगी आज की सरकारों की, आज के पुलिस फोर्सेस की, जो ऐसी फिल्मों को ऐसी रियलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक समय तो ऐसा था जब ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी, और देखा जाए आपने फंडिंग कितनी लंबी, इन्होंने नाम भी लिया बॉलीवुड में भी चलती है ऐसी फंडिंग, और जो हमारे देश का बेस है यानी यूथ कॉलेजेस में जा जाकर, आपको पता JNU भारत की सबसे बड़ी फंडिंग वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स PhD करने वाले स्टूडेंट्स को इतने बड़े अमाउंट पर एक अमाउंट जो है ऑफर किया जाता है, और वहां पर से नासूर पैदा हो तो क्यों किया जाएगा, मतलब विनाश करने को अवेयरनेस पहले की। लेकिन मैं सबसे बड़ा एक डीमेरिट ये कहूंगी कि आज का यूथ ऐसी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी फिल्में जो भी आती है वो इतने बड़े स्केल पर चलती नहीं है, और सबसे मतलब हमारे लिए विडंबना ये है कि एनिमल जैसी फिल्में जिनका ना कोई सिर है ना पैर है ना कोई कहानी है ना कोई औचित्य है, ऐसी फिल्में कई कई हजार करोड़ के मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती हैं, और ऐसी फिल्में पिट जाती हैं, तो ये बहुत हमारे मुंह पर एक ब्लॉट 5/5 रेटिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया था। मेरे को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी है छत्तीसगढ़ की जो बस्तर है उसके ऊपर, और किस तरह नक्सलवाद जो है वो एक टाइम में बढ़ा था 1980s ये स्टोरी से शुरू हो रहा है और अभी भी प्रेजेंट में है। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो एंड आई वाज लाइक जिस क्रूअल तरीके से ये लोगों को मारते हैं मतलब एकदम हार्टलेस चीजें हैं, और वही जो हाँ ऑफिसर्स जो पुलिस ऑफिसर्स हैं CRPF है वो अपनी जान जोखिम में डाल के बता रहे हैं, एंड द पॉलिटिशियंस सेम कार कि वो उसको बैकअप भी नहीं दे रहे हैं, वो वाली चीज उसने फिल्म में भी दिखाई है। तो ये चीज बहुत ही एकदम वैसी लगी कि पॉलिटिकल का सपोर्ट भी होना कितना जरूरी है सरकार के ऑफिसर्स के पास। आदर्श शर्मा की आखिरी की बात की जाए तो उन्होंने IPS का किरदार दिखाया, देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि किस तरह सिस्टम को होना चाहिए हमारी इंडिया के, और वो उन्होंने बात भी कही है कि अगर सारे लोग करप्ट है तो उनका रोम पे खड़े होते हैं फिल्म की सच्चाई का सच्ची कहानी दिखाई गई, कितनी सच्ची हो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम ये सोच रही थी जो इन लोगों पर बीती होगी तो कितना वो एक तरीके से उनके लिए रहा होगा टॉर्चर भरा हुआ, इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर हमारे एरियाज में हिंदू मुस्लिम भी होता थोड़ा बहुत तो हम उसमें इतना डर जाते हैं, तो बहुत रोंगटे खड़े फिल्म करती है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठाती है क्योंकि उनसे मदद मांगी गई उन्होंने वक्त पर नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो टूटी हुई है, तो मैं किसी पर भी कमेंट नहीं करूंगी, फिल्म अच्छी है सभी ने अच्छा काम किया है, तो जिन्होंने द गैलरी स्टोरी देखी है कश्मीर फाइल्स देखी उनको ये फिल्म की जरूरत है। इस फिल्म में अदा की कोई एक्टिंग पता नहीं चल रही थी, और भी हमने उसमें अदा की पहली फिल्म नहीं देखी है अभी तक नहीं देखी आई डोंट नो कि मैंने क्यों नहीं देखी, लेकिन अदा की एक्टिंग एक लग नहीं रही थी, अदा ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैंने पहले बोला सच्चाई कितनी है वो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि द केरल स्टोरी पर बाद में सवाल उठे थे कोर्ट ने कहा था काफी तो मनगढ़ंत चीजें दिखाई गई, तो एक दूसरा तरीका है, लेकिन फिर मैं फिल्म के तरीके से देखे कुछ ना कुछ सच्चाई भी होगी कुछ इसमें उन्होंने काल्पनिक भी करा होगा, तो फिल्म का बात करके देखे आपको जरूर अच्छी लगेगी। अदा के अगर आप फैन हो 3.5।